बच्चे, आज इस प्रॉब्लम को जब हम देख रहे हैं तो क्या कहता है ये प्रॉब्लम, जरा देखो तो। इफ ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 4 बेस ए। ऑप्शन में दिया है 9/5, 4/5, 8/5। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अरिहंत के डीपीपी का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं, लॉग का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। आइए, सबसे पहला काम जो दिया हुआ है सर उसको ले लीजिए। क्या दिया हुआ है? गिवन ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। इतनी सी बात दी हुई है आपके प्रॉब्लम में। एक काम करो तो दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लेंगे सर, लॉग ले लेंगे विथ बेस ए, विथ बेस ए, बेस ए के साथ दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉग ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 5 बेस ए इज इक्वल टू लॉग 1 बेस ए। दोनों तरफ हमने क्या किया है, लॉग ले लिया। चलिए अब ये क्या हो जाएगा सर, हमको एक चीज पता है, लॉग एम इंटू एन, आपको भी पता होगा लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लिख दो, लॉग ए पर पावर 4 बेस ए प्लस लॉग बी पर पावर 5 बेस ए और लॉग 1 बेस ए। 1 के लिए किसी भी वैलिड बेस के लिए 1 का लॉग क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका 0 आ गया। 4 बाहर आया क्या, लॉग एम पे पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, प्रॉपर्टी पढ़े हैं सर लॉग का, लॉग एम टू द पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। चलिए तो सर ये एम पे पावर एन, पावर जो होता है ना वो बाहर आ जाता है, 4 बाहर हो गया, 4 लॉग ए बेस ए प्लस 5 लॉग बी बेस ए, ये बराबर कितना, 0। अब लॉग ए बेस ए का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू लॉग बी बेस ए बराबर 0। 4 को 4 इंटू 1 4 होता है, 4 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में आ जाओ, उधर जाएगा 5 लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 4 हो गया। इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5 आया क्या। अब चलो लॉग बी बेस ए का वैल्यू आ गया, अब क्या करना है सर, इसको अभी यहीं पर हम ब्रेक मारते हैं। अब जो हमको निकालना है फाइनली वो देखिए, तो फाइनली अब हमको निकालना क्या है, वो लॉग ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 4 बेस ए निकालना है सर। लिख लो, लॉग ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 4 बेस ए निकालना है। चलिए लॉग ए टू द पावर 5 है बेस ए प्लस क्या लिखोगे, लॉग बी टू द पावर 4 बेस ए लिखोगे, इसको लिखोगे क्या। अब जरा देखो तो 5 बाहर आएगा क्या, 5 लॉग ए बेस ए प्लस 4 ना लॉग बी बेस ए हो गया। अब लॉग ए बेस ए क्या होता है, 1 होता है। चलिए ये आपका 5 इंटू 1 हो गया प्लस 4 इंटू लॉग बी बेस ए है ना, तो लॉग बी बेस ए का वैल्यू हम निकाले हुए यहाँ पे ना, माइनस 4/5, माइनस 4/5 आ गया। ये आपका क्या आ गया, 5 माइनस 4/5, ये आपका कितना, तो एलसीएम आएगा 5/25, सॉरी 4 जा कितना 16, ये आपका कितना आ गया 16 आ गया, तो 25 में 16 चला गया, तो 25 में 16 गया तो कितना 9/5, तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, 9/5 आया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक, तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताएं।